नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। श्योपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विजयपुर में प्रेस वार्ता बुलाई। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार बताया। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना घर संभालने की नसीहत देते हुए कहा कि अध्यक्ष क्यों बनाए गए ये भी पता है। बीडी शर्मा ने कमलनाथ की पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के सिर पर पक्की छत हो, उनके घर तक नल से पानी पहुंचे, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी द्वारा भेजी गई आवास योजना और जलावर्धन योजना की राशि को वापस भेज दिया। उन्होंने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर आदिवासी महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपये महीने की राशि बंद करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस कभी भी गरीबों का भला देखना नहीं चाहती है। विजयपुर में अगर विकास की एक ईंट भी रखी है तो भाजपा सरकार ने रखी है। उन्होंने विजयपुर उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को भारी बहुमत से जीत होने का दावा किया है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। पार्टी का हर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। से बीजेपी के लिए वोट मांगे पर कल उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी। सर ये क्या करेंगे, इनको चेहरे पर रौनक थी कि नहीं थी। एक और कल आरोप लगाया भाजपा जीतू पटवारी ने कि रमाकांत भार्गव के टिकट मिलने के पीछे व्हाइट हाउस का राज है, तो इस राज के पीछे आप क्या कहेंगे? अब ये जीतू पटवारी, मैंने जो कहा ना कि जीतू पटवारी जी पहले घर संभाल लें, आपके अध्यक्ष बनने के पीछे राज क्या है ये बता दें क्या? तो इसलिए ये इस तरह की चीजें मुद्दों पर बात करें। अगर यहाँ चुनाव में आए तो मुद्दों की बात करो, विकास की बात करो, गरीबों की बात करो। ये विजयपुर क्षेत्र है, आज ये विजयपुर, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं भी इसी चंबल का जब संपूर्ण जिला एकता तबका यहाँ का ही रहने वाला हूं। विजयपुर क्षेत्र को आपने भी देखा, हमने भी देखा, आज विजयपुर के विकास के नए आयाम विजयपुर के अंदर खड़े हैं। किसने किए हैं? तो मैंने कहा ना, एक ईंट भी विकास की अगर लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर इस चुनाव में मिला। अब मुझे लगता है उनकी प्रवृत्ति ऐसी रही होगी, ये तो जनता बताएगी, उनके आरोप लगाने से नहीं होता है। जनता तय करती है कि जनता ने जो इतना आशीर्वाद दिया है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, आज ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, प्रचंड बहुमत से जीते हैं, और ट्रंप जब जनता के बीच जा रहे हैं उसके विजय के उत्सव में, तो नारे क्या लग रहे हैं? मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये भारत है, ये आज का भारत है। कल जीतू पटवारी ने, और ये आज के भारत में ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, कि जो अमेरिका कभी जाने में लोग सोचते थे, आज वो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में वहां मोदी मोदी के नारे कर लग रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ताकत है। दुनिया में आज परचम भारत का फहरा है। तो इसलिए कांग्रेस केवल झूठ छल कपट की ही राजनीति करती है, जो जनता अच्छे से समझ चुकी है। और मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह, मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ और जीतू पटवारी में तो रोज पत्थर पड़ रहे हैं। वो पहले घर को संभाल लें, उनकी कार्यकारिणी बनी है, उन्हीं में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। सर अहमद का डर।